क्या आप जानते हो कि पूजा करते वक्त कुछ लोग इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों की आंखों से तो आंसू ही बहने लगते हैं। और इसमें इतना कीमती क्या है, तो चलिए आज इसके कीमती रहस्य को भी जान लेते हैं। इसलिए अगर किसी के साथ ऐसा पूजा करते वक्त होता है कि उसकी आंखों से आंसू खुद पे खुद ही बहने लगते हैं या आने लगते हैं, जबकि वह ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा होता है और ना ही वह दुखी होता है, तो इसका कारण यही होता है कि आपने इतनी शिद्दत के साथ पूजा की है कि इस टाइम में आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो गया है और इस वक्त आपकी आत्मा और परमात्मा दोनों आमने सामने आ जाते हैं। या इसको यूं कहना ज्यादा सही रहेगा कि आपका उस डिवाइन से सीधे ही कनेक्शन बन जाता है, जिसके कारण हमेशा ही बीच में अड़चने लाने वाला माइंड कहीं खो जाता है और इसी बात की खुशी को ये आपकी आंखें खुशी के आंसू के माध्यम से व्यक्त करने लगती है, क्योंकि इस टाइम बॉडी के पास इससे बेहतर एक्सप्रेशन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का होता ही नहीं है, क्योंकि शब्द तो माइंड के साथ ही कहीं विदा हो जाते हैं। और रही बात इस घटना के कीमती होने की, तो यही वह वक्त होता है कि अगर आप चाहे तो कोई भी इच्छा अपने भगवान को बता सकते हैं और उसके पूरे चांस है कि वह पूरी होगी होगी, क्योंकि यह घटना बिल्कुल उसी लेवल की होती है जिसको आपने आज तक कीमती किताबों में पढ़ा होगा या कहानियों में सुना होगा कि कोई किसी भगवान की तपस्या करता है और फिर भगवान एक दिन उसके सामने अचानक से ही प्रकट हो जाते हैं और उसको कोई भी वरदान मांगने के लिए बोल देते हैं और जो भी वह मांग लेता है वह उसको दे दिया जाता है। इसलिए आप चाहे तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम आपके पास दो चॉइस होती है, एक तो यही कि या तो आप अपनी मर्जी से कुछ मांग ले वह आपको मिल जाएगा, या आप कुछ भी ना मांगे फिर आपको वह खुद पे खुद ही मिल जाएगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती और जरूरी होगा। लेकिन आपको कुछ ना कुछ कीमती मिलेगा जरूर, क्योंकि यह घटना इतनी साधारण भी नहीं होती है जितना कि सभी इसको समझ लेते हैं और ना ही यह हर किसी के साथ घटित होती है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आज के बाद हमेशा ही यह याद रखना कि जब भी आपके साथ ये घटना पूजा करते वक्त घटित हो जाए या होने लगे, तो समझ जाना कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा और अच्छा घटित होने वाला है या आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है जिसका बस ये शुरुआती संकेत भर है, क्योंकि कोई जानबूझकर ऐसा नहीं कर पाता है और जब ऐसा किसी के साथ होने लगता है तो वह इस घटना को होने से रोक भी नहीं पाता है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के साथ संभव हो पाता है जिनको वाकई में भाग्यवान कहा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर आपके साथ यह कभी भी नहीं हुआ है तो आप लकी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या पता कल परसों या किसी ना किसी दिन यह आपके साथ भी घटित हो ही जाए।